वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स रिक्रूटमेंट 2021। असिस्टेंट टीचर्स वैकेंसीज निकल कर आ रही है 1504 एंड प्रिंसिपल की वैकेंसीज आ रही है 390। चलिए हम पूरी जानकारी लेंगे, आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए पहले हम डेट्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब है। विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है 18 फरवरी को और इसके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो ऑन होगी 22 फरवरी को और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 8 मार्च का दिया हुआ है और शुल्क जमा कराने की तिथि 9 मार्च की है और आवेदन पूर्ण करने में पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट लेने की तिथि जो है वो 10 मार्च की है। मेन मेन डेट्स इसमें कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें इसमें प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि और समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति 5 अप्रैल को दी जाएगी और उसके अलावा इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो 11 अप्रैल की दी हुई है। सहायक अध्यापक पद के लिए 9 से 11 11:30 बजे के बीच में पेपर होने जा रहा है और प्रधान अध्यापक पद के लिए दिन में 1 से 3:30 के बीच में ये पेपर होने वाला है और उसका द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 के बीच में होने जा रहा है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ों की तो डेट्स यही है और उसके अलावा फाइनल इसकी रिजल्ट जो घोषित हो सकती है वो लगभग मई में हो जाएगी। इसमें लिखा विशेष विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तर माला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल घोषित करने की तिथि यानी रिजल्ट की जो तिथि है इसकी 11 मई 2021 को आ जाएगी। यानी इतना जल्दी प्रोसेस है, आप देख पा रहे हैं 22 फरवरी से स्टार्ट होके 11 मई में इसके प्रोसेस भी अंतिम चरण में आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं इसमें, ये मैंने आपको उसको इम्पोर्टेंट डेट्स बता दी है यानी विदिन 2 डेज के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उस पाठ्यक्रम को मैं बता देता हूँ जो इसका पेपर होने जा रहा है। इसमें ये है आपका पाठ्यक्रम, ये पहले सामान्य ज्ञान व समसामयिक की घटना तार्किक ज्ञान, ये 50 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है जिसमें ये आपके टॉपिक्स आने वाले हैं। राष्ट्रीय भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, सारी चीज़ें इसमें। उसके बाद जो इसका प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक है जो खंड का है इसका सेकंड जो पार्ट है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है, उसमें हिंदी है, इंग्लिश है और आपका संस्कृत है, ये 3 एक है। और ख में इसमें देखने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन का है पूरा पोर्शन, फिर इसमें ग के पोर्शन में मैथमेटिक्स और विज्ञान का पोर्शन है और इसमें प्रधान अध्यापक हेतु शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन का भी इसमें सिलेबस दिया हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ ये वैकेंसीज कहाँ से निकल कर आ रही है। ये वैकेंसीज आपकी, मैं इसको मेन वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ये मेन वेबसाइट इसकी है सचिव परीक्षा नियामक प्राध्याकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये यूपी से परीक्षा निकल कर आ रही है और इसमें जो मैं डेट्स की तो अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है लेकिन इसमें एज की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की हुई है। एज की अनाउंसमेंट अभी वो करेंगे और उसके साथ ही इसमें परीक्षा की फ़ीस कितनी है वो भी इसमें अनाउंसमेंट इस वाले पेपर्स में नहीं की हुई है। इन चीज़ों के लिए आपको 2 दिन का और वेट करना पड़ेगा। और उसी के साथ मैं आपको बता दूँ इसमें जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, क्वालिफ़िकेशन में असिस्टेंट टीचर्स के लिए तो उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए कहा है और इसकी
कंप्लीट एजुकेशन नॉलेज इसके आफ्टर 2 डेज के बाद आपके सामने आ जाएगी। और प्रधानाध्यापक का के लिए जो प्रधानाध्यापक पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ इन्होंने 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है। और कंप्लीट जानकारी आपको जब इसका प्रोसेस 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा तो आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।